स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ में हूं शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे सीधी में। दर्दनाक हादसा हुआ है NH 39 बढौरा में। भीषण सड़क हादसा हुआ, तेज रफ्तार ट्रक और बस की जोरदार टक्कर हो गई है। हादसे में 27 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। बस में लगभग 50 से ज्यादा यात्री सवार थे। गौतम ट्रेवल्स कंपनी की यह बस है। जिला अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। NH 39 रीवा सीधी मुख्य मार्ग के बढौरा की घटना बताई जा रही है, जहां पर गौतम ट्रेवल्स कंपनी की बस जो हादसे का शिकार हो गई। तेज रफ्तार का कहर यहां देखने को मिला। बता दें NH 39 पर बढौरा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। और चलेंगे सीधी बात करेंगे सहयोगी अमित पांडे से। अमित, क्या कुछ जानकारी हासिल हो पा रही है, कैसे पूरा हादसा हुआ, फिलहाल घायलों को लेकर क्या कुछ अपडेट? जी, आपको बता दूं कि ये जो बस है जो रीवा से सीधी की ओर देर रात को चलती है, सिंगरौली तक ये बस जाती है। बढौरा के समीप जब पहुंचती है तो इधर से तेज रफ्तार जो बल्कर है वो जाता है, और जो जानवर मवेशी जो है सड़कों पे बैठे रहते हैं। इस समय पे मवेशियों का जो है झुंड जो है रात होने के बाद जो है सड़कों पे रहता है। ड्राइवर जो है मवेशी को बचाने के चक्कर में जो ट्रक अनबैलेंस हुआ है और जाके बस और ट्रक की जो है टक्कर हुई है। जी, आपको बता दूं कि लगभग इसमें 27 से ज्यादा यात्री जो है वो घायल हो चुके हैं, जिनको प्रशासन जो है तुरंत रेस्क्यू करके और जिला अस्पताल ले आया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो घटना के बाद जो है हताहत में लगभग जान नहीं गई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, घायलों को लेकर क्या कुछ जानकारी हासिल हो पा रही है अमित, कितनों की हालत ज्यादा नाजुक बताई जा रही है? ये आपको बता दूं कि लगभग आधे से ज्यादा व्यक्तियों की जो है गंभीर हालत होने की वजह से उनको रीवा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित पांडे खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए।